चंदोसी उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक कैंप कार्यालय अकरूर जी प्लाजा पुरानी पेट में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने केंद्र सरकार का फैसला कपड़े जूते और ईंट भट्टों पर 5% से GST बढ़ाकर 12% करने का 1 जनवरी 2022 से प्रस्तावित था, जिसको लेकर देश भर के व्यापारियों में आक्रोश था। वे आंदोलन कर रहे थे। व्यापारियों के विरोध के कारण सरकार ने कपड़े पर GST बढ़ाने के फैसले को स्थगित कर दिया, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के फैसले का स्वागत किया व खुशी जाहिर की। इस बीच वक्ताओं ने कहा कि व्यापारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल से अभी तक व्यापारी पटरी पर नहीं आया। GST बढ़ने से महंगाई बढ़ती और व्यापार पर इसका खासा असर होता। आज बड़े खुशी का दिन है कि भारत सरकार ने कपड़े पर 5% का जो टैक्स था उसको आगे बढ़ाया है। जो 12% का 1 जनवरी से होना था उसे कैंसिल कर दिया है। इसके लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बहुत खुशी के साथ उनको बधाई देता है, अभिनंदन करता है कि जिस तरीके से उन्होंने व्यापारियों की बात रखी है, इस तरीके से हम भी आने वाले समय में उनकी बात रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किसानों की बात रखी, व्यापारियों की बात रखी और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जो ज्ञापन दिया था उसकी बात रखी, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो व्यापारियों की इस तरह से सेवा करते रहेंगे और व्यापारियों की बात मानते रहेंगे। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। अखिल भारतीय उद्योग मंडल हमेशा सदा उनका आभारी रहेगा। आज चंदोसी व्यापार मंडल के सारे व्यापारी चंदोसी के आज एकत्रित हुए हैं। चूँकि कई माह से जो है वो हिंदुस्तान के व्यापारी GST बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे, कपड़े जूते और ईंट भट्टों पर। GST काउंसिल ने जो 5% से 12% GST कर रखी थी उसका विरोध पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी कर रहा था, हर व्यापार मंडल कर रहा था। लेकिन 31 तारीख में जो मीटिंग हुई GST काउंसिल की, उन्होंने जो है GST न बढ़ाने का फैसला करा है। उसके खुशी में, क्योंकि व्यापारियों के विरोध में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, उसकी खुशी में जो है आज हम लोग चंदोसी उद्योग व्यापार मंडल के सारे व्यापारी इकट्ठे होके आज एक दूसरे को मिठाई खिलाई और धन्यवाद दिया सरकार को कि उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया।